हाँ तो बच्चों, आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया जाए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग को 8 टॉपिक पढ़ना है: मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मैनेजमेंट का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कहता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। तो इस पूरा मीनिंग में मैनेजमेंट का मीनिंग जो बताया क्या है, प्रोसेस है, काम करवाने का एक प्रोसेस है, किस तरह से, तो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, प्रभावपूर्ण तरीका से और कम से कम कॉस्ट पर उसको गोल को प्राप्त कर लेना है। इसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। इसमें 3 वर्ड महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है: पहला प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और तीसरा इफिशियंटली। तो चलिए एक एक करके तीनों का मीनिंग समझते हैं। प्रोसेस, जो पहला जो है प्रोसेस, कहता प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट द थिंग्स डन। दिस फंक्शन आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब प्रोसेस एक स्टेप है, एक सीरीज है काम करवाने का, जिसमें 5 स्टेप से काम किया जाता है। पहला प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप से, 5 प्रोसेस से है काम को करवाने का। और दूसरा है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है, कहते इट इज कॉन्सर्न विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही काम को सही समय पर पूरा कर लेना है काम को। इन अदर वर्ड्स, इट इज कॉन्सर्न विथ द रिजल्ट, इंड रिजल्ट, है ना, ये इंड रिजल्ट पर, यानी कि काम को किसी भी तरह से समय पर पूरा कर लेना है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवेन टास्क और अचीविंग द गोल। मतलब काम को समय पर कंप्लीट कर लेना है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, इसी को इफेक्टिवनेस बोला जाता है। और तीसरा है इफिशियंसी। इफिशियंसी रेफर्स टू द टास्क इन द राइट वे, है ना, काम को सही तरीका से पूरा करना है, काम को सही तरीका से पूरा करना है। इफेक्टिवनेस में काम को तो पूरा करना है, लेकिन इफिशियंसी में काम को कम से कम कॉस्ट पर, है ना, कहता है कि दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट, है ना, मिनिमम कॉस्ट पर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, जितना भी रिसोर्सेज है उसका फुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इफिशियंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन को प्राप्त करना है, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किया जा सके। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच और मोर मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट, है ना, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके अधिक से अधिक आउटपुट को प्राप्त करना है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए, अधिक से अधिक करने के लिए, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सके। इसी को इफिशियंसी बोला जाता है। यानी
मैनेजमेंट में ये तीन चीज होना चाहिए, एक तो प्रोसेस यानी प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क। इफेक्टिव मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल, यानी गोल को प्राप्त कर लेना है, लक्ष्य को पूरा कर लेना है, काम को कंप्लीट कर लेना है समय पर। और इफिशियंसी का मतलब है, इफिशियंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। इफिशियंसी जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसमें कॉस्ट को मिनिमम करके प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है ना। कम से कम रिसोर्सेज, चाहे वो मनी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे इक्विपमेंट हो, कम से कम यूज करके प्रोडक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाना है, ताकि मिनिमम कॉस्ट हो और प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सके। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो डिफरेंस जो है मीनिंग के बेस पर कहता है, इट्स रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर हाउएवर द कॉस्ट। यानी इफेक्टिवनेस में कॉस्ट कोई मतलब नहीं रखता है, कॉस्ट चाहे जितना भी आ जाए, लेकिन काम को समय पर पूरा कर लेना है, इसी को इफेक्टिवनेस बोला जाता है। लेकिन इफिशियंसी कहता है, इट्स रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब इसमें इफिशियंसी में मिनिमम कॉस्ट पर आउटपुट को अधिक से अधिक करके प्रॉफिट को अधिक मैक्सिमम करना है ना, इसी को इफिशियंसी बोला जाता है। मतलब इफेक्टिवनेस में कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इफिशियंसी में मिनिमम कॉस्ट को देखना है। और दूसरा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस में कहता है, टू अचीव इंड रिजल्ट, इसमें इंड रिजल्ट को देखा जाता है, यानी काम को पूरा करना है किसी भी तरह से, चाहे कॉस्ट कितना भी आ जाए। लेकिन इफिशियंसी में कहता है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। इसमें कॉस्ट बेनिफिट यानी कॉस्ट को मिनिमम करना है ना। और तीसरा है ना मेन कंसिडरेशन, कहता ड्यूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस में है ना सही काम को करना है, लेकिन इफिशियंसी में डूइंग द टास्क इन राइट वे, सही तरीका से करना है, ताकि कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना, दोनों में क्या रिलेशन है। तो कहता है कि इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज बीइंग इफेक्टिव, मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क, बट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। कहता है कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। केवल इफेक्टिवनेस से नहीं होगा, है ना, टास्क को केवल काम को पूरा करने से ही काफ़ी नहीं है, काम को पूरा करना है लेकिन सही तरीका से, है ना, ताकि कॉस्ट को मिनिमम करके, है ना, एम को, लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सके। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी दोनों होगा, वही सफलता प्राप्त कर सकेगा। कहता है, इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए हुए सही तरीका से काम को पूरा कर लेना है। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, है ना, एक ही सिक्का का दो पहलू है, जैसे हेड और टेल एक सिक्का में होता है ना, एक के बिना दूसरा का कोई महत्व नहीं है। वन विदाउट अदर इज ऑफ नो यूज, है ना, अगर हेड ही रहे केवल या केवल टेल ही रहे, तो सिक्का का महत्व तो कुछ नहीं होता है, सिक्का बेकार हो जाता है। उसी तरह से किसी भी संस्था में अगर इफेक्टिवनेस हो और इफिशियंसी नहीं हो, तो भी वो असफल हो जाएगा, या फिर इफिशियंसी हो और इफेक्टिवनेस ना हो, तो भी वो संस्था असफल हो जाएगा। यानी दोनों में बैलेंस बनाना है। देखिए, इस बैलेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों, है ना, साइड बराबर होना चाहिए, इसी को बैलेंस, यानी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो
चलिए, यही है हम लोग का आज का जो टॉपिक था, हम लोग का मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देखें, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद देखें हम लोग डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, और दोनों का रिलेशन। इस तरह से आज हम लोग को इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में है ना आगे देखेंगे।